ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कांग्रेस के लगातार गिरते ग्राफ और पार्टी में बढ़ती अंतरकलह के बीच फंसी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक बुलाई। बैठक के बाद लगभग तय हो चुका है कि कांग्रेस का नेतृत्व गांधी परिवार के हाथ में ही रहेगा और एक बार फिर राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। कांग्रेस के इस मंथन के बीच बिहार के कांग्रेस के सहयोगी राजद की ओर से कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला गया। बैठक से पहले राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस को बिना पतवार की नाव बताते हुए राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजद नेता शिवानंद तिवारी ने इसके लिए बकायदा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है। कांग्रेस की बैठक से पहले शिवानंद तिवारी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की बैठक होने जा रही है, पता नहीं उस बैठक का नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि कांग्रेस की हालत बिना पतवार के नाव की तरह हो गई है। कोई इसका खेवनहार नहीं है। राजीव गांधी अनिच्छुक राजनेता रहे हैं। वैसे भी यह स्पष्ट हो चुका है कि राहुल गांधी में लोगों को उत्साहित करने की क्षमता नहीं है। जनता की बात तो छोड़ दीजिए, उनकी पार्टी के लोगों का ही भरोसा उन पर नहीं है, इसलिए जगह जगह के लोग कांग्रेस पार्टी से मुंह मोड़ रहे हैं। खराब स्वास्थ्य के बावजूद बहुत ही मजबूरी में सोनिया गांधी जी काम चलाऊ अध्यक्ष के रूप में किसी तरह पार्टी को खींच रही है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। तिवारी ने आगे कहा कि मुझे याद है सीताराम केसरी के जमाने में पार्टी किस तरह डूबती जा रही थी, वैसी हालत में उन्होंने कांग्रेस पार्टी का कमान संभाला था और पार्टी को सत्ता में पहुंचा दिया था। हालांकि उनके विदेश मूल को लेकर काफी बवाल हुआ था। भाजपा की बात छोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी में भी उनके नेतृत्व को लेकर गंभीर संदेह व्यक्त किया गया था। शरद पवार आदि उसी जमाने में सोनिया गांधी के विदेश मूल के ही मुद्दे पर पार्टी से अलग हुए थे। हालांकि 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली बहुमत सोनिया गांधी जी के ही नेतृत्व में मिला था, इसलिए सोनिया गांधी जी ही प्रधानमंत्री की कुर्सी की स्वाभाविक अधिकारी थी। लेकिन उनका प्रधानमंत्री नहीं बनना असाधारण कदम था। उसी कुर्सी के लिए हमारे देश के दो बड़े नेताओं ने क्या क्या नाटक किया था हमारे जहन में है। शिवानंद तिवारी ने आगे कहा कि अपनी जगह पर मनमोहन सिंह जी को उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया था। यूपीए के नेताओं का उनके नाम पर समर्थन पाने के लिए वे सबसे उनको मिला रही थी। उसी क्रम में मनमोहन सिंह जी को लेकर लालू जी का समर्थन हासिल करने के लिए उनके तुगलक लेन वाले आवास पर आई थी। संयोग से उस समय मैं वहाँ उपस्थित था। बहुत नजदीकी से उनको देखने का अवसर उस दिन मुझे मिला था। प्रधानमंत्री की कुर्सी त्याग कर आई थी, उस दिन का उनका चेहरा मुझे आज तक स्मरण है। उनके चेहरे पर आभा थी, त्याग की आभा उनके चेहरे पर दमक रही थी, अद्भुत शांति उनके चेहरे पर थी। लालू जी ने मेरा उनसे परिचय कराया, मैंने बहुत ही श्रद्धा के साथ उनको प्रणाम किया था। तिवारी यही नहीं रुके, उन्होंने सोनिया गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि आज उन्हीं सोनिया जी के सामने एक यक्ष प्रश्न है, पार्टी या पुत्र, या यूं कहिए कि पुत्र या लोकतंत्र। कांग्रेस पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, मैं नहीं जानता हूँ कि मेरी बात उन तक पहुँचेगी या नहीं, लेकिन देश के समक्ष जिस तरह का संकट मुझे दिखाई दे रहा है वही मुझे अपनी बात उनके सामने रखने के लिए मजबूर कर रहा है। कांग्रेस पार्टी आज के दिन भी क्षेत्रीय पार्टियों से ऊपर है, कई राज्यों में वही भाजपा के आमने सामने है, इसलिए वह जनता की नजरों में विश्वसनीय बने, मौजूदा सत्ता का विकल्प बने, यह लोकतंत्र को और देश की एकता को बचाने के लिए जरूरी है। अतः मेरे अंदर का पुराना राजनीतिक कार्यकर्ता मुझे बोलने के लिए दबाव दे रहा है। शिवानंद तिवारी ने आगे कहा कि संभव है जिस पार्टी में मैं हूँ उसका नेतृत्व मेरी इस बात को पसंद नहीं करे, लेकिन अब मैं किसी के पसंद और नापसंद से ज्यादा अहमियत अपनी आत्मा की आवाज को देता हूँ, और उसी आवाज के अनुसार मैं सोनिया जी से अपील करता हूँ कि जिस तरह से आपने प्रधानमंत्री की कुर्सी का मोह त्याग कर कांग्रेस को बचाया था, आज उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि पुत्र मोह त्याग कर देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए कदम बढ़ाइए। शिवानंद तिवारी के बयान पर बिहार कांग्रेस ने जबरदस्त नाराजगी जताते हुए पलटवार किया है। पार्टी के MLC प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि शिवानंद तिवारी हमेशा से कांग्रेस विरोधी रहे हैं, राजद में भी उनके लिए अच्छी राय नहीं है, राजद को चाहिए कि वो शिवानंद तिवारी को तुरंत पार्टी से बाहर निकाले। पॉलिटॉक्स ब्यूरो दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।